नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वसीर। शीतकालीन सत्र का आज पांचवा दिन है या आखिरी दिन है, और आज फिर से विपक्ष के विधायकों का सरकार के प्रति आक्रोश दिख रहा है। आप देख सकते हैं, विधायक हैं जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, वो लगातार हंगामा कर रहे हैं। सर, विधानसभा भ्रष्टाचार व्याप्त, प्रशासन बेलगाम हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री को इसको अब सोच रहा होगा, जिस तरह से मंत्री के साथ भी घटना घटी आप जानते हैं, जीवेश मिश्रा जी के साथ, और रात के अंधेरे में जाकर माफी मांगते हैं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। सदन में उन्होंने व्यक्त किया है कि पदाधिकारी ने ऐसा किया है, उनको सदन में आकर बयान देना चाहिए, नहीं तो पूरे बिहार का अपमान है। मुख्यमंत्री से क्या मांग करते हैं? मुख्यमंत्री से मांग कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, भ्रष्टाचार को रोकिए। सब जगह सीओ हो, जहां थाना हो, बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा है। जनता तो ईमान में है, बिहार की जनता आपको मुखिया चुनी है। केंद्र सरकार के तर्ज पर बिहार में भी अब निजीकरण, राजस्व को बढ़ाने के लिए निजीकरण किया जा रहा है, रेलवे हो या फिर बस स्टैंड हो। नहीं, रेलवे रेलवे के साथ केंद्र सरकार का मामला है, बिहार सरकार निजी हाथों में वो गलत है। आपको जनता ने वोट देकर जिताया, निजीकरण क्यों करिएगा? कांग्रेस पार्टी ने जब से भारतवर्ष आजाद हुआ है कितने पीएसयू बनाए गए, कितने लोगों को रोजगार मिला। अगर आप सही चीज निजी हाथों में देंगे तो युवकों को रोजगार नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो है विधायक है कांग्रेस पार्टी के अजीत शर्मा, जिनका कहना है कि जिस तरह से विधायकों का, मंत्रियों का इस सरकार में अपमान हो रहा है, और रात के अंधेरे में अफसर जाकर के माफी मांगते हैं, तो ये नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार पर लगाम दे और अफसरशाही पर लगाम दे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस माले सभी के जो विधायक है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पांचवा दिन है शीतकालीन सत्र का, और कल जो मंत्री जीवेश मिश्रा यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें, किस तरह से जो है यहाँ पर लगातार ये हो रहा है, यहाँ पर विधायकों का प्रदर्शन हो रहा है, आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। सर, किस तरह से आज विधानसभा की कार्रवाई चलेगी? देख रहे हैं कि पूरा पूरी प्रशासन में भ्रष्टाचार छाया हुआ है, और भ्रष्टाचारी लोग जो है मंत्री संतरी को अपमानित कर रहे हैं, पूरे व्यवस्था को चैलेंज दे रहे हैं, यह एनडीए सरकार में हो रहा है। हमारी मांग है कि पटना के डीएमएसपी जो कल हमारे जो है मंत्री को रोक करके गाड़ी पास कराने का काम किया है, इसको आज मुआतल किया जाए, बर्खास्त किया जाए, ये हमारी मांग है बिहार विधानसभा की। मांग सभी विधायकों का ये मांग है कि जिस तरह से कल मंत्री का अपमान किया गया, हालांकि वो मंत्री बीजेपी के ही थे, लेकिन विपक्ष पूरी जो है उनके साथ है और कह रही है कि मंत्री को और विधायकों को जिस तरह से अपमान किया जा रहा है अफसरशाही में, नीतीश कुमार के राज्य में, उस पर जो है मंत्री के प्रति जो है माफी मांगना पड़ेगा। जिस तरह से रात के अंधेरे में ये माफी मांग रही, ये नहीं चलने वाला है। तो आज शीतकालीन सत्र का पांचवा दिन है या आखिरी दिन है, और आज भी हंगामा हो रहा है बिहार विधानसभा में। हम आपको विधानसभा की कार्रवाई